नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इस नाम को सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। आज की इस वीडियो में हम इनके बचपन से लेकर चांद पर उतरने तक के सफर के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं अर्थ एंड स्पेस यूट्यूब चैनल। नील ऑल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म 5 अगस्त 1930 में अमेरिका के ओहियो नाम की स्टेट में वैपकोनेटा सिटी में हुआ। नील के पिता का नाम स्टीफन आर्मस्ट्रॉन्ग और मां का नाम वायोला आर्मस्ट्रॉन्ग था। नील का एक भाई और एक बहन थी। भाई का नाम डीन आर्मस्ट्रॉन्ग और बहन का नाम जून आर्मस्ट्रॉन्ग था। नील अपने भाई बहन से छोटे थे। नील के पिताजी सरकारी ऑडिटर थे। अपनी जॉब के चलते उन्हें अलग अलग जगहों पर जाकर रहना पड़ता था। नील जब तक 5 साल के हुए तब तक उन्होंने 15 से 20 शहर बदल दिए थे और इसी दौरान उन्होंने अपनी पहली हवाई यात्रा भी की थी। ये अनुभव उनके लिए बहुत प्रेरणादायक था। प्राइमरी स्कूल के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग हाई स्कूल जाने लगे। हाई स्कूल में वह अपना ज्यादातर समय हवाई उड़ान और अंतरिक्ष की किताबें पढ़कर बिताने लगे। बचपन से ही उनका ध्यान चांद तारों में रहता था। 17 साल की उम्र में उन्होंने एयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। 17 जनवरी 1949 में उन्होंने नौसेना को ज्वाइन किया। वहां पर उन्होंने 18 महीने की ट्रेनिंग ली और वापस आकर अपनी एयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई दोबारा शुरू की। 20 साल की उम्र में उन्होंने एयरफोर्स को ज्वाइन किया और पायलट बन गए। उन्हें युद्ध में जाने का भी मौका मिला। नील को अपने सक्सेसफुल मिशंस के लिए कई मेडल्स भी मिले। 1955 में उन्होंने नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स में काम करना शुरू किया। इस कमेटी को वर्तमान समय में हम नासा के नाम से जानते हैं। नासा में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इंजीनियर और टेस्ट पायलट के रूप में काम किया। उन्होंने तरह तरह के हवाई जहाज उड़ाए। इसी दौरान उन्हें मैन इन स्पेस सून प्रोग्राम में चुना गया और साथ ही उन 7 पायलटों में भी चुना गया जिनकी अंतरिक्ष में जाने की संभावना थी। उन्होंने अपोलो 8 के काम में भी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें अपोलो 11 का कमांडर बना दिया गया जो चांद पर जाने वाला था। नासा ने फैसला किया कि नील को चांद पर पहले उतरने दिया जाए क्योंकि वह शांत स्वभाव वाले व्यक्ति थे। अपोलो 11 के चांद पर पहुंचने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना बायां कदम 2:56 UTC July 21, 1969 को रखा और कहा, That's one small step of man, one giant leap for mankind. इसका मतलब है कि इंसान के पैर की ये छोटी सी शाप मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग है। जब उन्होंने चांद पर कदम रखा तो उनका दिल 150 बार प्रति मिनट की रफ्तार से धड़क रहा था। 20 मिनट के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग के साथी ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। इन दोनों ने मिलकर चांद पर अमेरिका का झंडा लहराया। चंद्र अभियान से लौटकर 1971 तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के एरोनॉटिक यूनिट में डिप्टी के पद पर रहे। इसके बाद वे सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी में एयरस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे। साल 1982 में वे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी फॉर एविएशन में चेयरमैन रहे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जीवन प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने जीवन में वो काम कर दिखाया जो कोई विरला ही कर पाता है। 25 अगस्त 2012 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।